दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के 141st एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उनके आंसर्स। अगले वाले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं और देता हूं आंसर्स और कहीं से पिक नहीं करता, ठीक है? चलिए आड़े में नहीं करते हैं, चलते हैं पहले पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन की जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ठीक है, घर में पड़ा हुआ नहीं। वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों ने घर में पड़ा हुआ स्मार्टफोन बता दिया, कितना पुराना आपके यहाँ पुरातन काल का, कितना मतलब पाषाण युग का मिला हुआ है वो बताइए। नहीं, ऐसा नहीं, आप जो यूज कर रहे हो वो स्मार्टफोन कितना पुराना है। करीब करीब 4,500 लोगों के आसपास लोगों ने वोट किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा मोर देन 2 ईयर्स को मिला हुआ है, 57%। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मोर देन 1 ईयर, 16% है। 6 महीने से 1 साल के बीच वाले 10% है, 6 महीने भी नहीं हुए ये 10% वाले हैं, और इसी महीने जिन्होंने लिया है वो 7% वाले हैं। मुझे करीब करीब कितना हो गया, 1 साल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, 1 साल के अंदर है, 6 मंथ से 1 ईयर आप कह सकते हो। प्राइमरी स्मार्टफोन वैसे तो है तो मेरे पास 3 इस टाइम पे, एक तो 2 साल से पुराना वाला भी है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के पोल की तरफ। आपका बजट, अज्यूम करो ऐसा कि अगर आपको अभी स्मार्टफोन लेना हो, ठीक है, तो आप किस बजट के अंदर का स्मार्टफोन लोगे, मतलब क्या बजट है आपका स्मार्टफोन लेने का, वो आपको बताना है कि 10,000 के नीचे वाला है कि 20,000 के नीचे वाला है, 30,000 के नीचे वाला है, 30,000 से 50,000 के बीच में या 50,000 से ऊपर। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पर पोल करके बताइए, अगर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो तो वहां बता सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है हिमांशु तनेजा की तरफ से, #Vivek, IQ Z7 Pro कब तक आएगा और स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे? ये मेरे ख्याल से IQ Z7 Pro और Vivo T2 Pro ऑलमोस्ट सेम होंगे, हो सकता है चिपसेट अलग हो। मेरे हिसाब से T2 Pro जो रहेगा ये आपको Dimensity 1080 के ऊपर आ सकता है, एंड IQ Z7 Pro जो है ये Snapdragon 778G के ऊपर आएगा या इसी के आसपास समझ लो, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगे। वही वाला किस्सा होगा जो IQ Z7 और Vivo T2 के ऊपर हुआ है, एग्जैक्टली चिपसेट शायद अलग हो, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेंगी, मेरा एक्सपेक्टेशन है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजर गेमिंग की तरफ से, OnePlus Nord 3 कब लॉन्च होगा? ये जून में आएगा, ज्यादा चांसेस है जून में आएगा, BIS पे आ गया है, सब जगह आ चुका है, ठीक है, अगले 1-1.5 महीने में लॉन्च होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है जून में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस की तरफ से, बॉस वेग भाई, सैमसंग M54 कब तक आएगा? ये गल्फ कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में ये F54 के नाम से आने वाला है, ठीक है, तो इसका पेज जो है सपोर्ट पे जो भी लाइव हो गया था सैमसंग के ऊपर इंडिया वाला, कहा जा रहा है इसी महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया मिल जाएगा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनस्वी की तरफ से, मुझे ऑफर और एक्सचेंज लगा कि मोटो H30 प्रो 1920K में मिल रहा है, ले लो भाई, H30 या H30 प्रो अगर 19-20 हजार तक आ रहा है तो ले लो, एनी डे ले लो भाई, काफी अच्छा फोन है उस प्राइस के हिसाब से, तो काफी अच्छा है 20,000 के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनत वेटी की तरफ से, सर व्हाट अबाउट SG750G, it was killer at some point, why brands goes towards 695? हुआ क्या ना, लोग चिपसेट नहीं देखते, उसका अंतुतु स्कोर देखते हैं कितना होता है, तो 695 ने ऑलमोस्ट या उससे बेटर स्कोर कर लिया, उतना एफिशिएंट नहीं है स्नैपड्रैगन 750G, ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन लोग उसी के पीछे जाते हैं एंड ब्रांड्स भी वही चीज आपको देती है जिसके पीछे आप भागते हो, ठीक है, तो इसीलिए वो 695 पे आ गए, क्योंकि 695 चीपर था एज कम्पेयर टू 750G, उसके बाद तो चला ही गया, अब 695 रगड़ रहे हैं वो लोग लेकर, यही चीज चल रहा है। ब्रांड को क्या चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वही बेचो, अगर वो लोग लेके आ जाएंगे 750G के ऊपर एंड कस्टमर को नहीं जमा तो उनका तो लॉस हो जाएगा ना यार, इतना सारा खर्चा किया R&D के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर, सारा खराब हो जाएगा, तो यही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवली की तरफ से, भाई साहब एक बात जरा सोचो, बीते कुछ सालों से सब के सब स्मार्टफोन कंपनी 10,000 से 45,000 तक के प्राइस रेंज में कैमरा के बाद वही 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल मैक्रो ही दे रहे हैं, बट क्यों दे रहे हैं, एनी आइडिया? मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि ये सब कंपनी मिलके हमको अच्छा बना रही है। अभी मैंने आपको कहा क्या होता है ना, अच्छा आप मुझे बताओ, कोई स्मार्टफोन कंपनी जब स्मार्टफोन लॉन्च करती है और कैमरा के स्पेसिफिकेशन जब डीप वाले आपको बताती है, ठीक है, इतना अपर्चर है, सारी चीजें, कितने लोग सुनते हैं? 100 में से 1-2, और कोई नहीं सुनता। बाकी सबका इंटरेस्ट क्या होता है बता, कितना मेगापिक्सल दिया है, OIS दिया है कि नहीं, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। 64 है अच्छा है, 108 अच्छा है, 48 है खराब है, 12 अच्छी, ये वाला यही होता है ना।
कौन सा चिपसेट दिया है, ये नहीं पूछेंगे कि ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं, सॉफ्टवेयर किस टाइप का, ये दिया है अच्छा होगा, ये दिया है नहीं, नहीं, ये खराब है, यही होता है ना। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई जाता नहीं है। तो अब क्या है, जैसे मैंने कहा कंपनीज यही देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनको बेचना है सिंपल, वो कितना भी ज्ञान आगे दें आपके सामने उनका काम है कि मुझे ज्यादा यूनिट बेचना है, दैट्स इट। प्रॉफिट होगा तो कंपनी टिकेगी, नहीं होगा तो नहीं टिकेगी। तो आपको जो चाहिए वही देंगे। वो चार सेंसर हैं, क्या बात है, चार सेंसर, एक ही सेंसर है। मैं कहता हूं जो काम 108 मेगापिक्सल कर सकता है वही काम 12 मेगापिक्सल भी कर सकता है अगर ऑप्टिमाइजेशन सही हो तो। लेकिन कल एक स्मार्टफोन ब्रांड 15,000 का स्मार्टफोन लॉन्च करे, 20,000 का, उसमें सिर्फ एक सेंसर दे चार के बदले और अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करे, कोई नहीं पूछेगा, लिटरली कोई नहीं पूछेगा। उसी के बदले अगर वो 48+8+2+2 दे दें, अरे वाह चार चार सेंसर दिया हुआ है, 99% लोगों का यही माइंडसेट है। इसीलिए कंपनीज ऐसा करती है, उनको सिर्फ बेचना है और कुछ नहीं है। हाँ सर्विस देना है ऑब्वियसली, उससे कस्टमर वापस आते हैं, लेकिन उनका पहला प्राइम क्या है, काम बेचना। जब आपके पास जाएगा तभी तो सर्विस लोगे ना, जब आप खरीदोगे नहीं तो सर्विस कहां से लोगे, यही चीज है। इसीलिए वो लोग ये सारी चीजें देते हैं, क्योंकि आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, बाकी और नहीं पूछते, उनको यही चीज चाहिए होती है। चलिए आई विश कि मैंने आंसर दे दिया हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है यामिन शेख की तरफ से। हेलो सर, क्या आज सेम आईकू नियो 6 लेना चाहिए? हाँ, 5,000 प्राइस कट किया है, 25,000 रुपया आ गया, लेकिन ये 22-23 तक भी आ चुका है ऑफर के साथ। ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक स्मार्टफोन कहूंगा, लेना है तो ले सकते हो ऑफर में, अगर 1-2 हज़ार कार्ड ऑफर के साथ आता है तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल की तरफ से, नथिंग फोन 2 कब आ सकता है? ये मेरे ख्याल से Q4 में आएगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, उससे पहले आने के चांसेस कम है। क्या मैं वेट करूं या सैमसंग A54 परचेज करूं? तब तक वेट कर सकते हो तो कर लो। A54 थोड़ा सा ओवर प्राइस, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर प्राइज्ड है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये स्मार्टफोन जो है ना सबके लिए नहीं है, प्राइस ज्यादा लग सकती है आपको, लेकिन ये सबके लिए स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षल तिवारी की तरफ से, वीवो T2 प्रो कब तक आएगा? ये स्मार्टफोन आपको जून तक पॉसिबली, iQOO Z7 Pro एंड Vivo T2 Pro अगर आते हैं तो ये जून तक आ जानी चाहिए, एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष भदौरिया की तरफ से, Realme Neo GT 3T ओके का प्राइस कितना ड्रॉप हो सकता है? अभी 23K का है, उस पर 1,000 का ऑफ चल रहा है कार्ड का, तो 22 तक मिल रहा है। ये स्मार्टफोन भी 20,000 तक आ चुका है भाई, तो अब 23 भी उतना खास अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, प्राइस यही रहेगा, ऑफर्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं कार्ड वाले तो सेल वेल में आएंगे, प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, 3,000-2,000 के आसपास आपको कार्ड ऑफर मिले, तो 20,000 के नीचे आपको ये देखने को मिल सकता है, कार्ड वाले ऑफर आएंगे, इससे ज्यादा प्राइस कट अब चांसेस कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमिस की तरफ से, आई वॉन्ट 5G फोन अंडर 20K बट द फोन विच आर लॉन्च टिल नाउ इज नॉट सेटिस्फाइंग, ओवर प्राइज अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, शुड आई वेट फॉर अपकमिंग सेल और गो फॉर एनी फोन लॉन्चिंग नोट? देखो मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो में कहा था ना, जो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे 20,000 के नीचे ना, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशन ऐसा होगा स्नैपड्रैगन 695 के साथ आएंगे, ठीक है, एंड बेसिक बाकी सारे। तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो करो, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जो 20,000 के नीचे आपको सेटिस्फाई कर पाए। अगर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप जो पुराने लॉन्च हुए जो 20,000 के नीचे ऑफर के साथ आ रहे हैं उनकी तरफ आप देख सकते हो। रियलमी GT Neo 3T काफी अच्छा ऑप्शन है, 22,000 तक आ रहे हैं, तो देखना चाहते हो उसको देख सकते हो आप। योगेश कुमार की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोको F5 वर्सेस OnePlus Nord 3 आई विश, क्योंकि पोको F5 जो आएगा ये 30,000 के नीचे रहेगा, 28 से 30,000 स्टार्ट होगा, Nord 3 जो होगा ये मेरे हिसाब से 30 से 35 के बीच में स्टार्ट होगा। एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चिपसेट पोको F5 का भी काफी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 जो है ना, ये समझ लो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो है ना उसके बराबर का है, तो अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा OnePlus Nord 3 ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमा बेंगिया वीडियोज, ओके सर Realme GT Neo 5 से कब SE कब आएगा? ये इसके आने के चांसेस कम है, ये अभी इसका लॉन्च होने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पहले GT Neo 5 तो आ जाए, SE के आने के चांसेस अभी कोई नहीं है, ठीक है, तो जब आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोको F5 कन्फर्म लॉन्च डेट बता दो भाई, मैं उनका ओनर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कल परसों का वीडियो बनाया हुआ है पोको F5 का, ये 24 से लेकर 26 ऑफ इसी महीना अप्रैल में लॉन्च होने वाला है कहा जा रहा है लीक्स के हिसाब से, बाकी अब देखते हैं कब तक आता है। चलिए हो गए सारे क्वेश्चन भाई आप वाले, पता नहीं चला खत्म हो गए, आप वाला आएगी नहीं जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियो उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताओ कि आपका बजट क्या है स्मार्टफोन का,
और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूँ हर एक एपिसोड में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया। दोस्तों